ये चित्रकथा समर्पित है एक ऐसी अनोखी संत आत्मा को जिसके दिखाए रास्ते पर चलकर गरीब से गरीब और कमजोर से कमजोर इंसान ने भी अमीर से अमीर और ताकतवर से ताकतवर इंसान से भी ऊंचा दर्जा पाया। नौजवान जिंदाबाद। ये कहानी है एक टुकड़ा धरती पर एक टुकड़ा सूरज की आसमान की एक ऐसी शख्सियत की जिसकी देह देव है, विचार ऋषि, कर्म योग, वाणी चेतना और जीवन एक प्रेरणा स्रोत, जिसकी जवानी बेमिसाल है और जवानी के जज्बे को आगे बढ़ाने में भूमिका भी बेमिसाल ही है, अद्भुत, अतुलनीय। मुझे गर्व है कि मैं उस देश का हूँ जिसने दुनिया को सहिष्णुता और वैश्विकता का पाठ पढ़ाया। डॉक्टर एस एन सुब्बा राव, सालेम नंजन दैया सुब्बा राव, पूरी 5 पीढ़ियों के प्रिय भाई जी। नौजवान आओ रे, नौजवान गाओ रे, नौजवान आओ रे, नौजवान गाओ रे, लो कदम मिलाओ रे, लो कदम बढ़ाओ रे, लो कदम मिलाओ रे, लो कदम बढ़ाओ रे। भाई जी हजारों युवाओं के पैर में हैं। नौजवान आओ रे, नौजवान गाओ रे। सुब्बा राव जी आज भी युवा है। भाई जी युवाओं के लिए प्राणवायु हैं। नौजवान इस चमन के बागवान, बहता पानी यानी सुब्बा राव। एक साथ बढ़ चलो, मुश्किलों से लड़ चलो। गांधीवादी संत हैं। इस महान देश को नया बनाओ रे, इस महान देश को नया बनाओ रे। सुब्बा राव's contribution to activate youth power in India has no parallel. सब आदमी की उम्र बढ़ती है, लेकिन एक व्यक्ति में ऐसा देख रहा हूँ कि उम्र जैसे बढ़ती। चंबल में कभी दहशत का पर्याय रहा बागी मोहर सिंह। बस वैसे सुब्बा राव जी तो हमारे संत हैं भाई। लोकमान दीक्षित बटेसर का बागी। तो सुब्बा राव तो महान आदमी में आएंगे। ऐसी सैकड़ों टिप्पणियां, सैकड़ों अभिनंदन और सम्मान भाई जी के नाम के साथ जुड़े हैं, लेकिन भाई जी ने कभी सम्मान की चाह नहीं की। पद्म विभूषण जैसा सम्मान भी लौटा दिया। त्याग और तपस्या की इसी वृत्ति के कारण आज दुनिया भाई जी को एक ऐसे चिर युवा साधना पुरुष के रूप में जानती है, जिसके सपनों के संसार में न कोई सरहद है, न मजहब और न ऊंच नीच। इस संसार में है एक गौरवान्वित राष्ट्र, शांतिमय समाज, एक न्यायपूर्ण व्यवस्था और इसे साकार करने को समर्पित स्वच्छ, सुंदर और चरित्रवान युवा मन। यूनेस्को जो बना, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, उनके चार्टर में एक वाक्य बहुत सुंदर, मैं तो उसको कहता हूँ हमेशा आध्यात्मिक वाक्य लिखा, War begins in the minds of men, and hence the defense of peace must be constructed in the minds of men. लड़ाई शुरू होती है मनुष्य के मगज में, कुरुक्षेत्र में नहीं दुर्योधन के मगज में, लंका में नहीं रावण के मगज में, यूरोप में नहीं हिटलर के मगज में। एक व्यक्ति के मन में आता है, 10-20 लोग जुड़ते हैं उसी मन के, फिर झगड़ा चालू होता है। तो उसी तरह जो भी देश दुनिया में गलत काम हो रहे हैं, मनुष्य के मगज कारण उसका है। तो अगर मनुष्य का मगज अच्छा हो जाए, सत्य के बारे में सोचने वाला, ईमानदारी का ही सोचने वाला और दूसरों के प्रति प्यार का ही सोचने वाला, ऐसा मगज दुनिया में हो जाए तो दुनिया की शक्ल बदल जाएगा। विचारों की ऐसी गंभीरता, ऐसी ऊंचाई यूं ही नहीं है।
इसके पीछे है एक पूरा सफर 80 बरस का। जन्मतिथि 7 फरवरी 1929, स्थान बेंगलुरु कर्नाटक, मां शारदंबा, पिता का नाम सालिम नंजुंदैया, एक नामी वकील जिसने गरीबी में भी प्रतिष्ठा पाई। आदमी गरीब होकर भी प्रतिष्ठित रह सकता है समाज में, गरीबी के कारण कोई दीन रहने की जरूरत नहीं, दबे रहने की जरूरत नहीं। थे तो पिताजी वकील और समाज में मान्यता भी बहुत थी उनको, लेकिन कि कितने लोगों को भगा दिया उन्होंने, गलत केस लाए मेरे पास, कभी नहीं आना मेरे घर, तो ऐसे वकील को पैसा कहाँ से आएगा। तो पैसा तो मुझे अच्छी तरह से याद है, कितने दिनों या तो चार आना लाते थे, आठ आना लाते थे, दो आना कभी लाते थे दिन भर के लिए, एक रुपया आ गया तो हम बहुत आ गया खेत। तो घर में कभी भी दो दिन का चावल हो या दाल हो, दो दिन का इकट्ठा रहता नहीं था। सुब्बा राव के बचपन का नाम पापू था। 6 भाई 2 बहनों में चौथे पापू ने पिता के जीवन से मिले संदेश को बचपन में ही पढ़ लिया था। भी उन्होंने हमको न तो डांटा है न पूछा है कि कहाँ जाते हो, क्या करते हो, पढ़ा है कि नहीं है, पास हुए कि फेल हुए, कभी पूछते नहीं। लेकिन उनका जीवन ऐसा था कि उसी से हमको प्रेरणा मिलती थी। माँ के सानिध्य ने वाणी में मिश्री खोली, रामकृष्ण वेदांत कॉलेज का रास्ता दिखाया, परमहंस की हंसा प्रवृत्ति दी, विवेकानंद सा विवेक दिया, तो स्वामी ओजशानंद के ओज और सुब्रमण्यम जी के चरखे ने मिलकर कुछ ऐसा संस्कार रचा कि 13 बरस का पापू एक दिन खादी पहनकर गांधी जी के रास्ते पर अकेला ही निकल गया। पापू देखता क्या, ये तो गांधी जी का नारा बोलेगा बरसात, चल बोलते हैं। पापू का ये जोश खाकी वर्दी को नहीं भाया, पापू को पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। तुमको मालूम तुम क्या लिखता? चंद घंटे बाद पुलिस ने पापू को तो रिहा कर दिया, लेकिन इस घटना ने पापू के मन में नई चुनौती भर दी। कुछ घंटों के बाद उन्हें मुझे भगा दिया, तो बस दिमाग में बात तो एक बीज बो गया कि क्या हमारे देश में वंदे मातरम बोलना जुलुम है, मुझे कुछ करना चाहिए। मात्र 13 बरस की उम्र में जुल्म के खिलाफ कुछ करने के इस जज्बे ने नन्हे पापू की दुनिया बदल दी। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो इंसान नहीं कर सकता। कौन कहता है गरीबी अभिशाप है? मेरे पिता कहते हैं ईमानदारी और मेहनत से हासिल की गई सूखी रोटी जुल्म और बेईमानी से हासिल ऐशो आराम से लाख गुना बेहतर है। जहां प्रेम और शांति है वहां सब कुछ है। गांधी जी ने ऐसे ही स्वावलंबी भारत का सपना देखा है। शांति से क्रांति की अलग जगाते पापू की आवाज पहले विद्यार्थी फेडरेशन, फिर विद्यार्थी कांग्रेस और बाद में बेंगलुरु के हिंदुस्तानी सेवा दल केंद्र की चेतना स्वर बन गई।
पापू ने गांधी साहित्य संघ के साथ जुड़कर गरीब गुरबा मजदूर आबादी को साक्षर और समर्थ बनाने के लिए प्रौढ़ शिक्षा केंद्र शुरू किया। 1946 में चित्रदुर्गा के एक शिविर में सुब्बा राव का एक कौशल हिंदुस्तानी सेवा दल के प्रमुख को भा गया। इसी बीच आया वर्ष 1947, लाल किले पर तिरंगा लहराया, खुशी की शहनाइयां बजीं, मिठाइयां बटीं, लेकिन नौजवान सुब्बा राव के मन पर 15 अगस्त 1947 की खुशी से ज्यादा गांधी जी की उदासी और बेलिया घाटा में उपवास ने प्रभाव डाला। 15 अगस्त को जिस दिन मैं मिठाई खा रहा था और दिल्ली में उत्सव हो रहा था, महात्मा गांधी न उत्सव में आए न मिठाई खाए। बेलिया घाटा जगह का एक छोटा सा टूटा फूटा मकान, अभी तो अच्छा बना दिया उसको, उस मकान में बैठे 3 दिन तक उपवास करते रहे, सबको सन्मति दे भगवान प्रार्थना करते रहे। यूं पिता की इच्छा पूरी करने के लिए पापू वकील बनना चाहते थे, वकालत की परीक्षा भी दी। इससे पहले कि पापू वकील बनते, वकालत की परीक्षा का नतीजा आने से पहले ही भविष्य ने पापू के लिए एक दूसरी भूमिका तय कर दी। पापू को सेवा दल के संस्थापक डॉक्टर नारायण सुब्बाराव हार्डीकर का पत्र मिला। प्रिय सुब्बाराव, अब आपकी वकालत की परीक्षा पूरी हो गई। मैंने आप में कुछ बातें देखी हैं। मैं चाहता हूं कि आप एक वर्ष दिल्ली में रहकर हमारे साथ काम करें। सुब्बाराव ने एक वर्ष की मोहलत मांगी, काला कोट पहनकर वकालत करने, पिता की इच्छा पूरी करने के लिए। लेकिन हार्डीकर इस रत्न को खोना नहीं चाहते थे। उन्होंने तत्काल लिखा, अर्जेंट, आई विल लीव दिल्ली ऑन 18th of May 1951, कम बिफोर दैट, हार्डीकर। मद्रास से 35 रुपए टिकट था और 4 आना रिजर्वेशन, आराम से उस वक्त तो 48 घंटे में पहुंचती थी गाड़ी, एक ही गाड़ी थी जीटी एक्सप्रेस। तो 17 मई 1951 को दिल्ली आ गया। नौजवान सुब्बा राव की अगुवाई में खुद स्टेशन पहुंचकर सेवा दल के संस्थापक श्री हार्डीकर ने सुब्बा राव को दिया अपना पहला प्रेरक संदेश, सद्गुण सर्वत्र पूज्यते। तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री आर दिवाकर से भी मिली कई सीख। कांग्रेस के पदाधिकारियों ने भी इस नौजवान को हाथों हाथ लिया। 120 रुपए मासिक का भत्ता तय हुआ। नेकर सुब्बा राव की नई पोशाक बनी और नया पता बना सेवा दल विभाग, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति, 7 जंतर मंतर, नई दिल्ली। इस नए पते और नई पोशाक के साथ नौजवान सुब्बा राव का नया चेहरा सामने आया। न किसी करियर की चिंता, न किसी घर गृहस्थी की चाहत, बस एक ही संकल्प, एक ही लक्ष्य, महात्मा गांधी के सपने का भारत। 7 जंतर मंतर के इसी परिसर में कभी नौजवान सुब्बा राव की कोठरी के सामने हर शाम जुटती थी बच्चों की टोली, होती थी कवायद, गूंजती थी किरकारियां, जन गण मन, वंदे मातरम। बच्चों को देखते ही आज भी सुब्बा राव जी का हाथ सीधे जेब में जाता है और गुब्बारे वाले सुब्बा राव जी याद आ जाते हैं। मुझे याद है, जब हम छोटे थे तो हम भाई जी को गुब्बारे वाले अंकल जी के नाम से पुकारते थे। उन्हें देखकर ही हमारे मुंह से निकल पड़ता था, अरे गुब्बारे वाले अंकल जी। संभवतः इसी स्वभाव और यकीन के चलते सुब्बा राव जी में आज भी बाल सुलभ निश्चलता और सबके लिए प्रेम कायम है। 1951 से 1969 तक दिल्ली में सेवा दल के साधारण कार्यकर्ता से राष्ट्रीय संगठक तक के सफरनामे ने जहां सेवा दल को आसमान से ऊंचाई दी, वहीं सुब्बा राव जी को नई पहचान भी दी और नया नामकरण भी। नौजवानों में एकता, अखंडता, राष्ट्र प्रेम और सदचरित्र के प्रति संकल्प और जोश पैदा करता एक नौजवान। एक ओर कठोर अनुशासन तो दूसरी ओर अगाध प्रेम, ऊर्जा और श्रम निष्ठा का पाठ पढ़ाते भाई जी। हिंदी, उर्दू, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ समेत सभी भारतीय भाषाओं में अपनी वाणी का ओज व संस्कार बांटते भाई जी। इसी कार्य क्षमता और शैली के चलते उस दौर में सेवा दल और भाई जी सभी के सम्मान के पात्र बने। क्या मुरारजी भाई, क्या लाल बहादुर शास्त्री, क्या जगजीवन राम, क्या इंदिरा गांधी और क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित नेहरू सेवा दल आए और भाई जी से गीत की मांग न करें,
ऐसा कदाचित ही होता था। सेवा दल शिविरों के जरिए जहां भाई जी को असली हिंदुस्तान से रूबरू होने का मौका मिला, वहीं हिंदुस्तान ने भी असली भाई जी को देखा। कालांतर में शिविर कई महत्वपूर्ण नतीजों की पृष्ठभूमि साबित हुए। तो उसमें से एक नौजवान खड़ा हुआ, सिख नौजवान था, उसका नाम था अमनदीप सिंह। उसने खड़े होकर बोला कि भाई जी, मैं फिरोजपुर के शिविर में आपसे मिला था। उस समय मेरे हाथ में बंदूक थी, लेकिन मैं छिपा के रखी थी। मैंने बताया नहीं था कि मैं पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई। मैंने सोच लिया कि पुलिस कुछ भी करे, लेकिन अब मैं हाथ में बंदूक नहीं उठाऊंगा और निर्माण का काम करूंगा। भाई जी ने तुरंत पंजाब सरकार को चिट्ठी लिखी कि ऐसे जो नौजवान हैं जो मुख्य धारा में आना चाहते हैं, जिनका हिंसा पर विश्वास नहीं है, कृपया उनको प्रोत्साहित करिए। और उसका प्रभाव हुआ, उसको प्रोत्साहित किया। बाद में एक साल के बाद में वही अमनदीप को पंजाब की सरकार ने युवा अवार्ड दिया। भाई जी का ही एक शिविरार्थी जो आपकी तरह खड़ा होता होगा लाइन में, मुख्यमंत्री बना। ये जरूरी नहीं कि हर शिविरार्थी मुख्यमंत्री बने, लेकिन जिस क्षेत्र में भी जाए, भाई जी के बताए हुए मार्ग पर चल के इस देश को आगे बढ़ा सकता है। वक्त चाहे उत्तरकाशी, उड़ीसा, गुजरात या दक्षिण की प्राकृतिक आपदा का हो, अथवा अलीगढ़, कानपुर, वाराणसी, जयपुर व गोधरा में दंगे का, भाई जी के शिविर सब जगह शांति, सद्भावना और जिंदगी बहाल करते रहे। मुझे याद है जब अलीगढ़ के जामा मस्जिद के सामने सर्वधर्म प्रार्थना हो रही थी, हमारी धड़कनें बढ़ रही थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे भाई जी ने एक एक धर्म की प्रार्थना को कहना शुरू किया, तो बहुत सारे अलग अलग धर्मों के लोग आए, बोले क्या अद्भुत संदेश आपने दिया है कि जामा मस्जिद के सामने सभी धर्मों की सर्वधर्म प्रार्थना। नौजवानों के बीच चेतना के शिविर एक सतत प्रक्रिया बन सके, भाई जी ने इसके लिए 1964 में राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रारूप तैयार किया, इसके लिए बकायदा प्रशिक्षण दिया। भाई जी के पहल पर ही राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रथम शिविर गांधी शताब्दी वर्ष के मौके पर 24 सितंबर 1969 सेवाग्राम वर्धा में हुआ। गणतंत्र दिवस परेड में शामिल एनएसएस की टोली हमेशा भाई जी के सपनों की याद दिलाती रहेगी। एनएसएस सूत्र वाक्य है, मैं नहीं सदा आप। ये सूत्र वाक्य भाई जी के जीवन का भी सूत्र वाक्य है। सेवा दल में रहते हुए भी भाई जी ने अपना गायन, संगठन क्षमता और भाषा ज्ञान, अनुवाद कौशल सब कुछ उन्हें दिया जिन्हें इनकी जरूरत थी। जब कामराज जी अध्यक्ष बने, और मेरा कोई पहचान वहचान तो था नहीं, भुवनेश्वर में वो अध्यक्षता ग्रहण किया, तो इस बाजू में सी सुब्रमण्यम, भारत रत्न सुब्रमण्यम हुए ना, वो आके मुझे कान में कहा, सुब्बराव कामराज जी तो बोलेंगे हिंदी में, अरे तमिल में, और मैं ट्रांसलेट करता हूँ लेकिन इंग्लिश में करता हूँ, लेकिन यहाँ तो आम जनता आ गई है तो हिंदी में तो नहीं कर सकता हूँ, क्या आप कर सकेंगे क्या? मैंने कहा मैंने ज़िंदगी में किया तो नहीं कभी, लेकिन सब काम करने को तैयार होना चाहिए, स्वयं सेवक हूँ। तो अनुवाद हुआ, तो उसके बाद तमिलनाडु के लोग, दूसरे लोग सब, अरे वाह वाह वाह, लाजवाब था, अनुवाद बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। फिर कामराज जी बोले, भाई आपका जो भी काम करो करो, लेकिन कहीं भी मुझे भाषण देना हो तो मेरे साथ आ जाना, अनुवाद अच्छा। तो चार साल कामराज जी का भाषण मुंबई में चौहाटी में, चौपाटी में, या कलकत्ते के मैदान में, या गुवाहाटी में, या उत्तर भारत में कहीं भी। जब गांधी शताब्दी वर्ष 1969 का मौका आया, तो गांधी दर्शन रेल के निर्देशक के तौर पर भाई जी का कौशल पूरे हिंदुस्तान ने देखा। गांधी शताब्दी समारोह समिति की जनसंपर्क उप समिति के सचिव के तौर पर ये भाई जी की ही कल्पना थी। चित्र प्रदर्शनी, श्रव्य दृश्य सामग्री से लैस गांधी संदेश को जन जन तक पहुंचाती एक ट्रेन, गांधी दर्शन रेल, सचमुच ये बड़ा ही सपना था, बड़ा अनुभव। भाई जी ने अपने इस अनुभव को एक नहीं कई बार अंजाम दिया। पुरानी दिल्ली से मुजफ्फरपुर बिहार जाने वाली सद्भावना एक्सप्रेस के यात्री ये जानकर गौरवान्वित होंगे कि कभी इस ट्रेन का जन्म
देश में एकता, शांति और सद्भाव का संदेश देने वाली ट्रेन के रूप में हुआ। आप रोमांच से भर सकते हैं कि कभी इन डिब्बों में भाई जी का काफिला चला, दिन दो दिन नहीं बल्कि साल दो साल तक। गांधी जी के पोरबंदर से विनोबा के पवनार आश्रम तक सचमुच कितना अद्भुत दृश्य रहा होगा। हरे भरे खेत, खलिहानों के बीच दौड़ता नीले आसमानी रंग में रंगे 14 डिब्बे, हर डिब्बा एक नदी के नाम पर, हर डिब्बे में विश्व के 11 धर्मों के प्रतीक चिन्ह, एकता सद्भावना के संदेश। इन्हीं डिब्बों में सवार साइकिलें, पूरा भारत और साथ में भाई जी। ट्रेन के रुकते ही स्वागत को बढ़ती भीड़, प्लेटफॉर्म पर ही जलपान स्वागत, फिर दौड़ पड़ती साइकिलें और गूंज उठता आसमान सुंदर नारों से। कश्मीर हो या कन्याकुमारी, कश्मीर हो या। डॉक्टर लिसी बरूचा ने लिखा गुडविल ऑन व्हील्स। ये गांधी जी का नाम और भाई जी की गुडविल ही थी कि जब 1969 में कांग्रेस का बंटवारा हुआ तो भाई जी की मांग दोनों समूहों के लीडरान ने की। भाई जी बंटवारा नहीं चाहते थे, भाई जी के लिए दोनों अपने थे। भाई जी ने अपना ठिकाना बदल दिया, गांधी शांति प्रतिष्ठान नई दिल्ली, प्रथम तल, कमरा नंबर 11। सेवा दल छूट गया लेकिन न पोशाक छूटी न लक्ष्य। भाई जी गांधी शांति प्रतिष्ठान के आजीवन सदस्य हो गए और चल पड़े फिर अपने सफरनामे पर, नतीजे की परवाह किए बगैर अनवरत लगातार बार बार राष्ट्रीय युवा योजना की शुरुआत की, शिविर दर शिविर। भाई जी के शिविरों ने चंबल के बिहड़ों में एक बड़ा कमाल किया। यूं तो इसका बीज 1954 में पड़ गया था जब 1954 में इस इलाके से गुजरते हुए नौजवान सुब्बा राव के मन में इन बागियों को अपनाने का ख्याल आया जिन्हें दुनिया बुरा कहती थी। खराब से खराब आदमी अच्छा से अच्छा संत बन सकता है, समाज मदद करना चाहिए, प्रयास होना चाहिए। भाई जी की आस्था की तरह ही चंबल के बीहड़ों में भी आस्था के मंदिर हैं। यहां आकर हर बुराई झुक जाती है। बावजूद इसके प्रशासन के आला अफसर, राजनेता, किसी ने कभी इन बीहड़ों में शांति बहाली की पहल नहीं की। ये इलाका लंबे अरसे तक विकास की मुख्य धारा से कटा रहा। भाई जी ने पहल की, भाई जी समस्या की जड़ तक पहुंचे। जब तक समाज में अन्याय, अत्याचार, शोषण रहेगा तब तक डाकू रहेगा, नक्सलवाद रहेगा, सब कुछ रहेगा। हर एक हाथ को काम मिले, सरकार से ही तो मेरा झगड़ा है, हर एक हाथ को काम मिले तो नक्सलवाद नहीं होगा। गरीब की कोई सुनता नहीं है, न पुलिस सुने, न सरकार न सुने, न कोई सुने, न समाज भी नहीं सुनता है। तब बुझा पे आओ तो आ जाओ, तब वो बागी बनते हैं। ओम शांति। भाई जी ने कातिल बंदूकों का जवाब सर्वधर्म प्रार्थना, विकास श्रम शिविरों और आध्यात्मिक विचार से दिया। मोहना, जवाहर, बागचीनी आदि गांवों में एक नहीं कई कैंप लगे। इन गांवों में 5 बजे के बाद चंबल की सड़कें सूनी हो जाती थीं, लेकिन भाई जी के कैंप अंधेरे में चहल पहल से जी उठते थे। ये एक एक टीले पर, एक एक टापू पर भारत के जो भी अपने प्रदेश हैं इस पर शिविरार्थी रहते थे, कैंप लगा करके, अपना तंबू लगा करके, और वो अपने लिखते थे उस पर कलई से कि हम जैसे रहने वाले हैं कर्नाटक के, उनने लिखा कर्नाटक, दूसरे ने उत्तर प्रदेश, तीसरे ने लिखा यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। कहने का आशय ये है कि यहाँ ऐसा वातावरण भाई जी ने बनाया, ऐसा लगता था शाम को
जब बैठते थे यहाँ पर मीटिंग होती थी कि मानो तो एक मिनी भारत बस गया है यहाँ पर। बागचीनी की सड़क कभी श्रम शिविरों में ही बनी, आज इस पर पक्का तारकोल है। बागचीनी गांव की गरीब गुरबा आबादी की छोटी छोटी पोटलियों से निकले 2,63,000 रुपए, हाथ तोड़ मेहनत और भाई जी की प्रेरणा से कुछ सरकारी मदद ने इस क्वारी नदी पर शांति और एकता का पुल बांधा। बागचीनी के 50 गांव मुरैना से जुड़ गए। भाई जी से प्रेरणा लेकर के गांव में जन सहयोग के लिए चंदा किया गया। ये जब पुल नहीं था उससे पहले जो समस्याएं इतनी गहरी थी कि अगर इन 50 गांव में कोई बीमार पड़ जाता था तो बागचीनी जो गांव है वहां हॉस्पिटल में लाना बड़ा मुश्किल हो जाता था। खौफनाक बिहड़ों में ये पुल नई ही इबारत है, एक नया तीर्थ। ऐसे काम अनुकूल माहौल बनाने में बड़े सहायक हुए। बहुत मीठा बोलने वाले हैं भाई जी और हम लोगों से बहुत स्नेह रखा और हमेशा है और हमेशा रहेगा। भाई जी ने अगाध प्रेम दिया था इस क्षेत्र के लिए। 72 में जयप्रकाश ने इनको विनोबा जी के ढेंगा गए को माधव सिंह वगैरह, तो फिर भी जयप्रकाश के ढेंगा भेजो, जयप्रकाश ने जी काम चलाओ तब, ताकि बाद फिर सुब्बाराव जी यहाँ आए और शांत मिशन बनी, ताकि वो अध्यक्ष बने तब ते उनके संग रहे। विनोबा जी का साथ सामर्थ्य और संपर्क मिला। आया हूँ दरबार तुम्हारे, आया हूँ दरबार तुम्हारे, तुम्हारो नाम पतित पावन है प्रभु जी, तुम्हारो नाम पतित पावन है, चहु दिस गावत सब जन जन है, तुम्हारो नाम पतित पावन है। भाई जी के एक भजन ने माधो सिंह को बेचैन कर दिया। जन जन है मुझको काहे सतावत मारे, मुझको काहे सतावत। भाई जी आपने तो धन्य कर दो, जय भजन तो जैसे हमारे ताई ही लिखो है, आप परमात्मा हो, अब चलेंगे, हमारे लायक कोई सेवा हो तो कह दीजो, जय गोपाल की। माधो सिंह के भीतर भी विचार का एक सैलाब जोर मारने लगा। धन नहीं मांगू, मांगू न सकता, नहीं मांगू विषयन की ममता, धन नहीं मांगू, मांगू न सकता। इस साक्षात्कार से भाई जी का यकीन और पुख्ता हुआ कि एक दिन मंजिल मिल ही जाएगी। गांधी दर्शन रेल की बतौर निदेशक मिली पूंजी से भाई जी ने 27 सितंबर 1970 को जौरा में महात्मा गांधी सेवा आश्रम की स्थापना कर दी। यहां भाई जी ने एक लंबे शिविर की ठान ली। पीवी राजगोपाल और दो अन्य तरुणों ने शुरुआती जिम्मेदारी संभाली। 10 महीने तक चले इस ऐतिहासिक शिविर ने जौरा के इस आश्रम को एक आस्था स्थली में बदल दिया और भाई जी को एक आस्था पुरुष में। तो जब ट्रेन समाप्त हो रहा तो ये सवाल उठा कि आखिर कितने लोग हैं जो अहिंसा को सिर्फ शब्दों से नहीं करके देखना चाहते हैं। अहिंसा के बारे में भाषण देना तो अच्छा है लेकिन अहिंसा को करके देखना चाहते हैं, अहिंसात्मक आंदोलन को करके देखना चाहते हैं। तो हम 3-4 लोग तैयार हुए तो सुब्राव जी के नेतृत्व में हम लोग चंबल घाटी चले गए। तो हम लोग गांव-गांव जाते थे, युवाओं को प्रशिक्षण देते थे, सड़क बनाते थे, श्रम शिविर आयोजित करते थे। विनोबा, जयप्रकाश नारायण, महावीर भाई, स्वामी कृष्णनंद, हेमदेव शर्मा का साथ, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी का भरोसा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रकाश चंद्र सेठी का सहयोग और माधो सिंह, मोहर सिंह, लुक्का पंडित जैसे बागियों का अटूट विश्वास भाई जी को मिला। एक महावीर भाई है और हेमदेव शर्मा और अपने सुब्बा राव जी, ये तीनों जने हम लोगों से मिले तो हम लोगों ने कही तो ठीक है, तो आप से कह रहे हो तो हम लोग सिलेंडर हो जाएंगे। ये शुभ तिथि थी 14 अप्रैल 1972, स्थान पगारा बांध, आत्मसमर्पित बागियों की संख्या 176।
भाई जी ने जो अहिंसा का यहाँ प्रयोग किया चंबल घाटी में, ये महात्मा गांधी के जाने के बाद, देश की आज़ादी के बाद, देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अहिंसा का ये पहला प्रयोग हुआ। गांधी जी के रास्ते पर चलकर मिली सचमुच ये ऐतिहासिक सफलता ही थी। हालांकि इसमें भाई जी की जान जाते जाते बची। सिंह के यहाँ गोली चली तो सुब्बाराव हम बीच में बैठे और एक मिलिट्री को मरी गो, लेकिन हमने पूछी जब डीआईजी आओ संग, मैंने कहा कि कुछ बात ना है, हजरत भाई मिले और ऐसे ऐसे गोली चली, हाँ कहीं गोली चली गई तो हमें तुम कहाँ गए, हमें तो कहीं मैं ही बैठे रहे, भगवान को याद करते रहे। और इस बीच में एक दो बार डाकुओं का मार खाया आश्रम में, उनको भी लगा कि कहाँ से बाहर से लोग आकर यहाँ रहने लगे, तो रात को आके हाथ पैर बांध के अच्छा पीटा, फिर चला गया, हमारा साइकिल ले गए, भैंस ले गए, तो कई बार अटैक हुआ, लेकिन उम्र है, उस उम्र में तो उत्साह रहता है। ये किस्सा याद कर भाई जी मुस्कुरा उठते हैं। ऐसी घटनाएं संकल्पित भाई जी को और ताकत देती रही। भाई जी रुके नहीं, चलते रहे। आत्मसमर्पण की सफलता सुनिश्चित करने के लिए जरूरी था सफल पुनर्वास, बागियों की समाज में स्वीकार्यता। पुनर्वास समिति के अध्यक्ष के रूप में भाई जी के समक्ष ये ज्यादा बड़ी चुनौती थी। भाई जी और अधिक तत्परता के साथ जीवन लौटाने में लग गए। खेती की जमीन दिलाई, श्रम के संस्कार डाले। के ले जा सत्य से सत्य के प्रति, ले जा तमस से ज्योत के प्रति, चले साथ और बोले साथ, दिल से हिलमिल जीवे साथ। इन तमाम प्रयासों का नतीजा ये हुआ कि बागी अपनी नई जिंदगी से आज खुश हैं। इनका मन अब संकल्पित है और पवित्र भी। ये भाई जी को कभी नहीं भूलते। भाई जी मिलते हैं तो हम जे हमारा दिल कहता है कि हमारे माता पिता हमसे मिल रहे हैं। कभी का खतरनाक बागी बहादुर सिंह आज गांधी आश्रम का कार्य करता है। हथियार डाल दिया तो मैंने तो त्याग कर लिया कि मैं दोबारा हथियार नहीं उठाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बहादुर और दूसरे बागी हथियार नहीं, प्रेम की जुबान में बात करते हैं। शांति के सिपाही चले, लेके खैर ख्वाही चले। तो ईमानदारी और सच्चाई के मुकाबले और कोई चीज नहीं। मोहर सिंह अब सामाजिक चेहरा है। लोकमान दीक्षित एक रामायण जिसे रामायण की चौपाइयां जीवन की तरह याद हैं। गांधी की प्रतिमा अपने साथ रखता है। लुक्का अपने पोतों के साथ खुश है, इतना खुश कि पुरानी बातें याद भी नहीं करना चाहता। एक दफे मंजर अली जज ने पूछ दी कि तुमने कितने कत्ल करे, मैं साहब आप ही बता दे आपने एक महीना में कितनी रोटी खाई। जिन्हें अपने कत्ल की गिनती याद नहीं, जिनके नाम की दहशत जमाने तक रही, उन बागियों में इतना बड़ा बदलाव, समाज में स्वीकार्यता, क्या कोई आसान काम है? नहीं, इनके सफल पुनर्वास का ही नतीजा हुआ कि बाद में कई और बागियों ने खुद पहल कर आत्मसमर्पण किया। जिसमें पहला समर्पण 14 अप्रैल 1972 को गांधी आश्रम जौरा में हुआ था, उसके बाद ग्वालियर, छतरपुर, फिर बटेश्वर उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर उत्तर प्रदेश के बागियों का समर्पण हुआ था, तालाबशाही राजस्थान, जहाँ राजस्थान के बागियों का समर्पण हुआ था। एक स्थिति ऐसी आई कि चंबल घाटी जो बागियों के आतंक से गूंजती थी, या जब रेलगाड़ियाँ निकलती थी लोग शीशे बंद कर लिया करते थे कि यहाँ से गुजरेंगे पता नहीं कहीं से गोली नहीं चल जाए, उस चंबल घाटी में कोई भी बागी या हिंसा की वारदात करने वाला कोई व्यक्ति नहीं रहा। आत्मसमर्पण और भाई जी के शांति प्रयासों की पूरी दुनिया में सराहना हुई। चंबल में शांति स्थापना के सफल प्रयोग के बाद भाई जी रुके नहीं, फिर निकल पड़े भारत में शांति और सद्भाव की मशाल लेकर। शिविर दर शिविर, रात दिन बस एक ही सपना, एक ही काम, नौजवानों में चेतना और राष्ट्र प्रेम। भाई जी के युवा शिविरों में अब तक 2 लाख से अधिक प्रतिभागी प्रशिक्षण पा चुके हैं। देश के जाने माने कार्यकर्ता इन्हें रोल मॉडल मानते हैं कि इनका जो जीवन है हम सब के लिए एक मॉडल है। जिन्होंने 80 वर्ष पूरे करने के बाद भी युवाओं के मन को अपने मन के साथ जोड़ के रखने का अद्भुत काम किया है। भाई जी द्वारा स्थापित महात्मा गांधी सेवा आश्रम जौरा से जनजातीय बंधुआ मुक्ति, शिक्षण प्रशिक्षण के ढेरों काम में लगे मंत्री रण सिंह परमार को भाई जी के कई शिविरों की याद है।
नर्मदा का अद्भुत नजारा तो रण सिंह अभी भी नहीं भूलते। केवड़िया गुजरात में जब भाई जी के आह्वान पर 23,500 नौजवान पूरे देश भर से आए, पूरे 10 दिन तक शिविर चला और उसमें 2.5 लाख से अधिक पेड़ लोगों ने लगाए। वहाँ पर केवड़िया में नर्मदा बांध पर लोग याद करते हैं कि भाई जी के नेतृत्व में इतना बड़ा शिविर आयोजित किया गया था। इतना बड़ा शिविर आज तक कहीं किसी के द्वारा आयोजित नहीं किया गया। भाई जी चाहे शिविर में हो या कहीं और, अपना काम खुद करते हैं। भाई जी हर छोटे काम को बड़ा मानते हैं, कभी अपना वक्त बर्बाद नहीं करते, अपनी एक एक सांस का हिसाब रखते हैं। मैंने अपना हिसाब किया, दिन भर में मैं करीब करीब 25,000 बार सांस लेता हूं। किसी की बुराई भाई जी को पसंद नहीं, खुद बहुत पवित्र है। भाई जी इसका अभ्यास दूसरों को भी करते हैं। क्षण क्षण मैं पवित्र बन रहा हूं, पवित्र बन रहा हूं। आत्मानुशासन, आत्मा की पवित्रता के अलावा श्रम निष्ठा इन शिविरों का जरूरी अंग है। इससे भी खास है और लोकप्रिय है भाई जी का अमृत गान, भारत की संतान। बसव माधवर यशो निकेतन कनक पुरंदर गौन रसायन, बसव माधवर यशो निकेतन कनक पुरंदर गौन रसायन, पंपन वाग्वे भव कनडना माडुए ताई बलवान। भारत की संतान, भारत की संतान हम है, भारत की संतान। पंजाबी पंजाबी मैं पंज दरिया दीवार सहा समझे ही राज, पंजाबी मैं पंज दरिया दीवार सहा समझे ही राज, नानक अर्जन जहाँ पीरादी उच्ची कर रही शान, हो नानक अर्जन जहाँ पीरादी उच्ची कर रही शान, उच्ची कर रही शान। भारत जी सदैव मानते हैं कि ऐसी विविधता, ऐसा रंग अकेले भारत की खूबी है। भारत की उत्कृष्टता में इसका विशिष्ट योगदान है। सोवियत रूस जैसे देशों के बंटवारे से हमें सबक लेना है। भारत अखंड रहे इसलिए एकता जरूरी है। भाषा, जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ग और उम्र सभी स्तर पर। भाई जी अपने शिविरों को लेकर सब जगह जाते हैं, सिंखचों के बाहर भी, सिंखचों के भीतर भी। चाहे कोई खूंखार अपराधी हो या अपने अपराध की अज्ञानता में फंसे नौजवान, भाई जी के दिल में सभी के लिए जगह है, सभी की बेहतरी की उम्मीद और कोशिश। वसुधैव कुटुंबकम को परिभाषित करते भाई जी देश ही नहीं परदेश में भी अपने शिविर और नौजवानों में आस्था के लिए जाने जाते हैं। जब हिंदुस्तान में बारिश के महीने होते हैं, भाई जी परदेश में अपने सुंदर शब्दों की वर्षा करते हैं। भाई जी की सादगी की दुनिया दीवानी है। भाई जी आज कई देशों के नियमित यात्री हैं। भाई जी का काम कल जितना प्रासंगिक था, आज भी उसकी प्रासंगिकता कम नहीं बल्कि और ज्यादा ही है। लंबे अरसे तक सरकारें आर्थिक पक्ष में सहयोगी हुईं, लेकिन अब ये शिविर अपनी स्वावलंबी व्यवस्था पर चलते हैं। भाई जी आज 80 के पड़ाव पर जरूर हैं, लेकिन जिम्मेदारियां किसी नौजवान के कंधे से कम नहीं। सचमुच भाई जी को एक व्यक्ति नहीं, स्वयं एक ऐसी संस्था है जिनकी प्रेरणा ने देश भर अनेक स्वयंसेवी हाथों को जन्म दिया है। नौजवानों के हितार्थ अपनी जवानी देकर भी भाई जी पर उम्र हावी नहीं दिखती।
राष्ट्र इस चैतन्य पुरुष चिर युवा मनीषी का सदैव ऋणी रहेगा। लेकिन भाई जी तो निष्काम कर्म योगी हैं, अपने धुन में अलमस्त एक यायावर संत। भाई जी को फुर्सत कहां, भाई जी का बस्ता तैयार है। भाई जी निकल पड़े हैं एक और शिविर की ओर, अखंड भारत के लिए अपना 5 सूत्री उद्घोष लेकर। सह भाषा, सह चिंतन, सर्वधर्म संभाव, सांस्कृतिक क्रांति, सामूहिक श्रमदान, सद्भावना का संदेश लेकर अपनी युवा यात्रा पर।